गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और अभी हम लोगों ने 8000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने अभी फ़िलहाल बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, बिल्डिंग मटेरियल। और इस सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ में अगर बात करें, इस सब्जेक्ट के वीडियो में बात करें, तो आपको एक वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया गया, जिस वीडियो के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया 1 to 30। तो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 61 to 230 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और क्वेश्चंस की कुछ एक्सप्लेनेशन लास्ट वाले स्लाइड में नहीं थे, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ देखेंगे। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट अलॉन्ग अ सर्टेन प्लेस इज नोन एज। तो जब मटेरियल या मिनरल जब स्प्लिट होती है, तो उसे फ्रैक्चर भी बोला जाता है, उसे क्लीवेज भी बोला जाता है, ब्रेकिंग भी बोला जाता है, फॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? चलिए सबसे पहले बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्लीवेज होगा, लेकिन हम लोग सारे ऑप्शन को वन बाय वन देख लेते हैं। जब हम लोग क्लीवेज के बारे में बात करते हैं, तो क्लीवेज बेसिकली क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी है, क्लीवेज एक प्रॉपर्टी है मिनरल की, जो कि मिनरल को स्मूथली ब्रेक करने के लिए अलाउ करती है, कि किसी एक स्पेसिफिक इंटरनल प्लेन के अलॉन्ग जब मटेरियल, जब आपका मिनरल पूरी तरीके से ब्रेक करता है, तो उसे हम क्लीवेज कहते हैं। हम लोग बात करें फॉल्ट के बारे में, तो फॉल्ट बेसिकली क्या है कि जब किसी तरह का प्लेनर फ्रैक्चर या डिसकंटिन्यू होता है, बहुत बड़ा रॉक का टुकड़ा है, बहुत बड़ा सा रॉक है, और उसमें उसके वॉल्यूम में अगर एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉल्ट कहते हैं। अगर फ्रैक्चर की बात करें, तो फ्रैक्चर और क्लीवेज दोनों एक ही चीज़ है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फ्रैक्चर में जो ब्रेकिंग होता है मिनरल का, वो रैंडमली होता है, किसी एक फिक्स प्लेन के अलॉन्ग नहीं होता है। तो ब्रेकिंग तो जस्ट टूटना हो गया, तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्ट के बारे में बात करोगे, तो फॉल्ट आपको यहाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम क्या बुलाते हैं? फॉल्ट बुलाते हैं। अगले के बारे में बात करते हैं, अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ द वाटर अब्जॉर्प्शन इज मोर देन। एक स्टोन को कब रिजेक्ट किया जाता है? जब वाटर अब्जॉर्प्शन स्टोन में कितनी हो। तो राइट ऑप्शन अगर आप बात करें, तो यहाँ पे 10% होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे 10% नहीं है, तो हम लोग 15% के साथ जाएंगे। तो अगर आपके पास 10% अवेलेबल हो ऑप्शन में, तो आप उसे टिक करोगे। वाटर अब्जॉर्प्शन इन स्टोन शुड नॉट बी मोर देन 10%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं, बिल्डिंग स्टोन को कब इजीली ड्रेस किया जा सकता है, इसकी ड्रेसिंग की प्रोसेस कब की जा सकती है? जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, आफ्टर सीजनिंग, या आफ्टर सम मंथ्स ऑफ क्योरिंग, या क्वेरिंग, या फिर एनी टाइम। तो इसमें हम लोग बात करें कि ड्रेसिंग की प्रोसेस आसान कब होगी? जब आपके स्टोन में कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जब आपके स्टोन में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम पे जो आपकी ड्रेसिंग की प्रोसेस है, वो आसान होती है। तो जब आप जस्ट क्वेरिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपका जो मॉइस्चर लेवल है, वो कहीं सीजनिंग करने के बाद कम हो जाता है, क्वेरिंग के तुरंत बाद थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जस्ट आफ्टर क्वेरिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टोन सरफेस टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज इज नोन एज। मतलब स्टोन को जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी एक स्पेसिफिक साइज में, रिक्वायर्ड शेप में, या फिर रिक्वायर्ड साइज में, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम स्टोन की ड्रेसिंग बुलाते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। और अगर हम लोग ये सारे जो स्टेप्स आपको लिखे हुए, ये सारे स्टेप्स को अगर हम सिक्वेंशियली अरेंज करें, तो सबसे पहले स्टोन की ब्लास्टिंग की जाती है, ब्लास्टिंग के बाद आपको स्टोन में क्वेरिंग की प्रोसेस की जाती है, क्वेरिंग के बाद आपको स्टोन में ड्रेसिंग की प्रोसेस की जाती है, और ड्रेसिंग के बाद आपको सीजनिंग की जो प्रोसेस है, वो की जाती है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, फॉर कार्विंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी। जब आप आर्किटेक्चरल ब्यूटी के बारे में बात करते हो, जब आप स्टोन से किसी तरह के आर्किटेक्चर, किसी तरह का ऑर्नामेंट बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे स्टोन को बहुत ज़्यादा हार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिक्वायर्ड शेप दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टोन जनरली यूज्ड फॉर रेलवे बलास्टेज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास ग्रेनाइट होता ना, तो हम यहाँ पे ग्रेनाइट टिक करते, लेकिन चूंकि ग्रेनाइट हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, उस केस में हमारा बसाल्ट एंड ट्रैप बसाल्ट हो जाएगा। अब बसाल्ट एंड ट्रैप बसाल्ट जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, बसाल्ट और ट्रैप बसाल्ट दोनों एक ही तरह का रॉक है, लेकिन जो यहाँ पे ट्रैप टर्म एडेड है ना, ये बेसिकली इंट्रूसिव रॉक को बता रहा है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर किया होगा, तो वहाँ पे आपको इंट्रूसिव का मतलब पता होगा, और जो जनरल बसाल्ट होता है, वो आपका एक्सट्रूसिव रॉक होता है।
चलिए अब ये सारे रॉक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे सैंडस्टोन के बारे में, तो सैंडस्टोन किस तरह का रॉक है? सैंडस्टोन आपका सिलीसियस सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन हुआ था। डोलोमाइट किस तरह का रॉक आता है? डोलोमाइट के बारे में बात करोगे ये आपका सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक है। मार्बल के बारे में बात करोगे तो मार्बल आपका मेटामॉर्फिक कार्बोनेट रॉक है, जबकि बसाल्ट के बारे में बात करोगे तो एक्सट्रूसिव इग्नियस कार्बोनेट रॉक है। यहाँ पे एक्सट्रूसिव टर्म एडेड है, अगर यही आपको ट्रैप बसाल्ट के केस में रहता तो यहाँ पे एक्सट्रूसिव के जगह आपको इंट्रूसिव देखने के लिए मिलता। तो ये हमने इस क्वेश्चन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को देख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग एन आर्टिफिशियल स्टोन मेड फ्रॉम पीस ऑफ मार्बल एंड सीमेंट यूज्ड फॉर फ्लोर फेसिंग ऑफ वॉल एट्सेट्रा इज नोन एज। ये टेराजो जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली स्टोन से बना होता है और सीमेंट मार्बल ये सब के कॉम्पोजिशन से बना होता है। बात करोगे तो कैसा दिखता है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने अपने घर के सरफेस में, अपने घर के सरफेस में फ्लोर में भी आपने इसे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्रेनाइट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज। देखिए ग्रेनाइट जो है आपका, ग्रेनाइट के बारे में बात करोगे तो ग्रेनाइट की बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। ग्रेनाइट में हार्डनेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव क्वालिटी ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्रेशन टेस्ट ऑन स्टोन इज डन टू फाइंड आउट। एट्रेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है? देखिए जब हम स्टोन की वियर एंड टीयर चेक करना चाहते हैं, जब हम स्टोन की वियर एंड टीयर चेक करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम जो हमारा एट्रेशन टेस्ट है वो हम करते हैं। सो इट विल बी रेट ऑफ वियर, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो आपको डेवल एट्रेशन टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है ना। तो आपका राइट ऑप्शन विल बी सी। कमिंग टू द नेक्स्ट, अ बिल्डिंग स्टोन शुड बी, एक बिल्डिंग स्टोन में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? एक बिल्डिंग स्टोन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, गुड अपीयरेंस एंड कलर होना चाहिए, हार्ड एंड टफ होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन विल बी, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट, द कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द मिनरल इज नोन एज। देखिए कोर्सनेस किस चीज़ को डिनोट करता है? किसी भी मटीरियल में कोर्सनेस जो है उसके टेक्सचर को डिनोट करता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 41 का बी, टेक्सचर। कमिंग टू द नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। देखिए बिल्डिंग स्टोन के बेसिकली स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रेंथ कितना, कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो अब जगह, अब अगर हम इसके बारे में इसके इसके राइट ऑप्शन को सीधा सीधा टिक करें तो इट विल बी ए, डेट इज़ 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट कहीं कहीं पे आपको ये क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा हुआ रह सकता है, यूनिट अलग रह सकता है। जैसे यूनिट आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी गिवन हो सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए आपने देखा है कि कितनी नहीं होनी चाहिए, 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप यहाँ पे 1000 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करते हैं। राउंड ऑफ में हमने जी का वैल्यू 10 ले लिया, तो ये इतनी, जितना मैंने लिखा तो इतने न्यूटन, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को जब आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर को एमएम में, तो नीचे आप 10 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। तो यहाँ पे अगर आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखोगे तो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन हो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो, तो आप 100 टिक करोगे, और अगर आपको जो आंसर है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 1000 टिक करोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, द पोरोसिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। देखिए सबसे पहले पोरोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसे हम लोग एन से दिखाते हैं, पोरोसिटी को एन से डिनोट किया जाता है। पोरोसिटी बेसिकली क्या होती है, किसी भी सॉइल, किसी भी मटीरियल या किसी भी हम रॉक के बारे में बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसे जब आप टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करते हो ना, टोटल वॉल्यूम से, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, टोटल वॉल्यूम से जब आप कंपेयर करते हो तो इसे हम पोरोसिटी बुलाते हैं। जबकि हम अगर वॉइड रेशियो के बारे में बात करें, तो ये वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाती है, यानी कि उसमें कितनी सॉलिड्स प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो आपकी वॉइड रेशियो के साथ, पोरोसिटी के साथ आपकी वॉइड रेशियो, उसे भी हमने थोड़ा सा देख लिया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन 5% होगा, इससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर जो हम लोग बोलते हैं,
वो बेसिकली क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। तो ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर जो होता है उसमें बेसिकली आपका पोटेशियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है और चारकोल प्रेजेंट होता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट, बसाल्ट एंड ट्रैप आर यूज्ड फॉर। बसाल्ट और ट्रैप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? देखिए बसाल्ट जो है ये एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने कहा तो ये बेसिकली मैं एग्रीगेट को डिनोट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा एग्रीगेट के फॉर्म पे हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इसे हम रोड में इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रैप के बारे में बात करोगे, ट्रैप भी बेसिकली एक टाइप का बसाल्ट ही होता है, लेकिन बसाल्ट का जो बहुत वेदरिंग की प्रोसेस जब बसाल्ट पे बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ट्रैप रॉक बेसिकली देखने के लिए मिलता है। सो अगर आप ट्रैप के बारे में बात करोगे, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपने देखा होगा, इसे ही हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, ये आपका बेसिकली ट्रैप रॉक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्पेलिंग हैमर किस लिए इस्तेमाल होता है? स्पेलिंग हैमर ये भी एक तरह का हैमर है और ये दो अलग अलग टाइप में आता है, वन फेस हैमर, टू फेस हैमर। जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पे क्या है, ये वन फेस हैमर है और इस तरह के स्पेलिंग हैमर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रेसिंग के लिए। किसके ड्रेसिंग के लिए? रॉक के ड्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। स्टोन को क्वेरिंग करने के लिए, उसको निकालने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे जंपर का इस्तेमाल होता है। जंपर इज द राइट आंसर। और डिफरेंट टूल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए है ना, ये आपको जंपर को डिनोट कर रहा है और भी ये सारे जो भी टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी टूल्स आपको दिख रहे हैं ये आपके क्वेरिंग टूल्स है ना, ये सारे आपके क्वेरिंग टूल्स है। तो अगर आप जब इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन शुड इज फाउंड आउट बाई। बेसिकली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं? तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को फाउंड आउट करने के लिए हम लोग क्रशिंग टेस्ट करते हैं एग्रीगेट पे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और क्रशिंग टेस्ट के लिए हम लोग CTM का इस्तेमाल करते हैं। CTM में हम लोग, हमारे पास बेसिकली एक डाया का एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम में हम लोग एग्रीगेट को फिक्स करने के बाद इसके ऊपर से रैम क्लंजर वगैरह पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश करके हम लोग इसे CTM में इंस्टॉल कर देते हैं और यहाँ से हमें इसके बाद हम लोग इसकी सीविंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, द बिल्डिंग स्टोन यूज फॉर ब्रिज पियर एंड कॉलम इज। देखिए हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो क्या है? ग्रेनाइट है। और जब हमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा वेदरिंग और बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है तो उस टाइम पे हम ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हैं। सो पियर और कॉलम के केस में, ब्रिज वाले केस में हमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना होता है, तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक इज। देखिए ब्रिक प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेहतर जो सॉइल हमारे पास होता है वो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। और जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ थोड़ा सा देख लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, द इम्प्योरिटी नॉट डिजायरेबल इन द सॉइल यूज फॉर ब्रिक इज। देखिए ब्रिक में एल्कली डेट इज ऑल्सो नॉट गुड एंड कंकर इज नॉट ऑल्सो गुड। बट अगर आप मेजर बात करें कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डेट इज कंकर। तो कंकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। रेड कलर ब्रिक में किसके चलते आता है? रेड कलर इज इम्पार्टेड टू ब्रिक ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन विल बी आयरन ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द वेट ऑफ कॉमन ब्रिक वेरीज फ्रॉम। देखिए वेट आपको दिया गया है यहाँ पे 6 kg पर मीटर स्क्वायर, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे यूनिट जो है इसकी kg पर मीटर स्क्वायर गिवन है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। बेसिकली कहीं कहीं पे आपको kg पर मीटर स्क्वायर के जगह kg पर मीटर क्यूब भी देखने के लिए मिल सकता है ना, kg पर मीटर क्यूब। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट डायमेंशन है ना, थर्ड डायमेंशन, उसे यूनिट कंसिडर कर लिया गया, यूनिट कंसिडर कर लिया गया, इसीलिए यहाँ पे आपको kg पर मीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1600 टू 1920 kg पर मीटर स्क्वायर। ये जो है वेट आपकी कॉमन जो ब्रिक है उसकी इसी रेंज में वैरी करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। देखिए ब्रिक की साइज के बारे में बात करें तो हमें दो तरह के साइज समझने पड़ेंगे, एक हो गया आपका नॉमिनल साइज और दूसरा हो गया आपका मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज अगर आपको ये याद रखना है, नॉमिनल और मॉड्यूलर, तो सबसे पहले क्या आता है? एम आता है। सो यहाँ पे मॉड्यूलर में जो ब्रिक की साइज होती है ये 19 इंटू 9 इंटू
9 के फॉर्म में होती है, जबकि नॉमिनल में बात करोगे तो ये साइज़ कितनी होती है, ये 20 इंटू 10 इंटू 10 होती है, और ये मैंने mm में लिखा है, सारा mm में लिखा है। तो नॉमिनल साइज़ मतलब वो साइज़ जहाँ पे ब्रिक बेसिकली आपका जो आपके मोटार के साथ जो इसका जो साइज़ होता है उसे बेसिकली हम लोग नॉमिनल साइज़ बोलते हैं। आपको पर मीटर क्यूब में बोला गया है, 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में आप बात करोगे तो 1 मीटर क्यूब में कितनी mm हो जाएगी आपकी, 1 मीटर में बेसिकली कितनी mm होती है, 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1000 × 1000 × 1000 आप इस तरीके से इसे कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसे डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ, जब आप इसे 20 × 10 × 10 से जब आप टोटल डिवाइडिंग करोगे तो आपको 500 ब्रिक्स यहाँ पे आंसर आएगा, 500 ब्रिक्स, तो राइट ऑप्शन विल बी 500। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखिए अभी हमने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मैंने वहाँ देखा था कि 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो था आपका, वो आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे अगर बात करें क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट क्लास ब्रेक की, लेकिन अगर यही न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा रहेगा तो 10.5 लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, फायर ब्रिक आर यूज टू, फायर ब्रिक किस लिए इस्तेमाल होता है, फायर ब्रिक बेसिकली जो है आपको हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, हीट रेजिस्टेंट ना, हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। तो इस ब्रिक का इस्तेमाल किस लिए होता है, हीट रेजिस्टेंस ब्रिक का इस्तेमाल होता है हीट फ्लो को कम करने के लिए, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। कमिंग टू द नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, अर्थ विच इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। देखिए इसको टिक करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका सिलिका है, सिलिका जो है वो आपको किसी भी ब्रिक को उसके शेप को रिटेन करने में हेल्प करता है। और अगर हम लोग बात करें सिलिका में, अगर सिलिका बेहतर है तो ये आपको यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करेगा, और अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है, सिलिका अगर आपके एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है तो ये ब्रिक को क्या बनाता है, ये ब्रिक को ब्रिटल बनाता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये ब्रिक को ब्रिटल बनाता है, तो राइट ऑप्शन विल बी सिलिका। कमिंग टू द नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। एक अच्छे ब्रिक में जो हमारा सिलिका है वो कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये जो इसका राइट ऑप्शन विल बी 50-60%। और हम लोग बात करते हैं पूरे के पूरे टेबल के बारे में, तो सिलिका कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 50-60% यानी कि 55%, 20-30% एल्यूमिना होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड आपकी 8-10% होना चाहिए, मैग्नीशिया लेस देन 7% होना चाहिए, और फिर लाइम और आपका ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये परसेंटेज एक रेंज में वैरी करता है, चूँकि हम लोग जानते हैं अर्थ हमारा जो हमारा ब्रिक अर्थ है वो हमारा किस तरह का मटेरियल है, वो हमारा नेचुरल मटेरियल है। तो हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं क्या, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं, तो हमने आपको यहाँ पे एक रेंज बता दिया, इसी रेंज में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। एल्यूमिना के बारे में बात हो रही है, तो अभी अभी हमने देखा था एल्यूमिना, थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा, तो एल्यूमिना आपकी कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 30%, 20-30% के रेंज में, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉज, जब सिलिका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सिलिका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हमें क्या होता है, सिलिका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा था कि ब्रिटल हो जाता है ब्रिक, है ना, तो ब्रिटलनेस, अगर यहाँ पे ब्रिटलनेस की ऑप्शन नहीं होगी, देखिए जनरली आपको ये दोनों ऑप्शन साथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो जब भी कोई भी एक जो आपका मैटर है वो अगर ब्रिटल हो जाता है ना, तो ब्रिटल होने के बाद दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोहेजन जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो आपको यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसके लिए वो लॉस ऑफ कोहेजन है, लॉस ऑफ कोहेजन, लेकिन अगर लॉस ऑफ कोहेजन वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आप ब्रिटलनेस को टिक करोगे। तो एक्सेस ऑफ सिलिका के केस में क्या होता है, ब्रिटल जो है ब्रिक्स ब्रिटल हो जाता है और वीक हो जाता है, और सिलिका की रेंज कितनी होनी चाहिए, 50-60% होनी चाहिए, और ये क्रैक और व्रैप होने से, ब्रिक को सिकुड़ने से, क्रैक होने से बचाता है ड्राई करने पर, है ना। तो ये आज के क्लास में हमने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
और जो भी अगर किसी तरह की क्वेरी है, किसी तरह की कमी है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। तो अगले बार से जो है उसे और अच्छे से सुधार के और अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।